अगर इस वीडियो पे हमारे 10K व्यूज होते हैं, अगर हमारे इस वीडियो पे तुम लोग 10K व्यूज करवा देते हो, तो मैं अगली बार सांप की किस लूंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग आज शुरू हो रहा है फिर एक राह से, एक रास्ते से। तो आज का व्लॉग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं सराल देखने। सराल मतलब बिल्कुल से हमारा जो हमारे जंगल में एनाकोंडा था उनको देखने के लिए। तो लगभग आज से करीब 7 महीने पहले हमारी वो वीडियो आई जिसमें हमने आपको एनाकोंडा से रूबरू करवाया था। तो आज हमारे दिल में फिर इच्छा उत्पन्न हुई है उनको देखने के लिए, तो हम लोग फिर जा रहे हैं। तो मेरे साथ आज फिर है मेरे यार भाई लोग, सब है मेरे साथ में अभी। हम लोग सब जा रहे हैं इसी टाइम पे, शायद दिख जाए हम लोग को। तो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए, होपफुली किस्मत होगी तो हमें दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो पहले जंगल में एंटर करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली भी हम लोग जंगल के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अभी यार इस टाइम तो जंगल में अभी बरसात गई है, 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन अभी जंगल में बहुत ज़्यादा यार झाड़ी वगैरह है, तो टफ होने वाला है हमारे लिए अंदर घुसना, बहुत टफ। तो ये एपिसोड में आप आ चुके हैं अमर खत्री ब्लॉग बस जंगल। तो ऐसे आप लोग कहीं भी अगर आपके आगे पीछे के जंगल में अगर है कहीं पे एनाकोंडा वगैरह, तो आप लोग मत ही जाइएगा, आपके लिए सेफ है। क्योंकि इस टाइम झाड़ियों में ऐसे ही इन्हीं झाड़ियों में से लंबे पड़े होते हैं, और कुछ का रंग भी झाड़ियों से मिलता जुलता है जिन्हें आप देख भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आपके आगे पीछे कहीं पर ऐसे जंगल में हैं एनाकोंडा वगैरह, पाइथन वगैरह, तो कृपया उन्हें देखने मत जाइए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम लोगों को देख लीजिए, हम लोगों ने डंडे डुंडे हम लोगों पूरे लेके रखे हैं, हम उसको मारने नहीं जा रहे, ताकि अगर उसने हमें से किसी एक को पकड़ लिया या हमें से किसी एक के ऊपर अटैक कर दिया तो हम उसको छुड़ा सकें। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होगा कि हम उसको हार्म करें, लेकिन खुद की डिफेंस के लिए हम लोग ये सब लेके जा रहे हैं। तो तुम लोग देख लो, अभी हम लोग आगे आगे एक बंदा चल रहा है हमें से, दो बंदे जो कि झाड़ी काट रहे हैं हमारे लिए, थोड़ा थोड़ा रास्ता बना रहे हैं। तो यहाँ से जिसको हम देखने जा रहे हैं उसका इलाका शुरू हो चुका है। होपफुली अगर हमें दिख जाए तो आप लोग को भी हम दिखा देंगे। अगर तुम लोगों को किस्मत होएगा और अपना भी किस्मत होएगा तो हम लोग को दिख जाएंगे आज। तो भाई ऐसे रास्ते से हमें निकलना पड़ रहा है, अभी बैठ के निकलना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर पूरी झाड़ी है, नीचे से रास्ता मिल रहा है तो अपन लोग निकल रहे हैं। लेकिन टफ होता है भाई ऐसे रास्तों से निकलना बहुत ज़्यादा। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोगों ने 2-3 चक्कर मार लिए इस बिल के। यहाँ पे नीचे बिल है, आपने हमारे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा, और पिछली बार हमने उसको यहाँ पर देखा था, इसी जगह पर देखा था पिछली बार हमने। अभी तो यहाँ पर नहीं है तो थोड़ा वेट कर देखेंगे, अगर निकला तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो फिर हम लोग घर पर निकलेंगे। जय टूटू छा, ओए पीछे रहो पीछे रहो, मेरे हाथ पैर कहाँ पर है, कुछ होएगा, इधर ही है, इधर ही दिख रहे हैं। और इसका खानदान हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, खानदान हो ना आगे, बहुत छोटा यार। यार मेरे को ना जैसे मिट्टी ना काया ही था, मैंने सोचा नीचे को गया कोई, ये जैसे गया था और मस्त आगे भी छोड़ भी हो सकता है। ओके वो देख रहा है लच्छी भैया को, मजा आ गया। आ जाओ रुक जा रुक जा, निकले एक बार फेस का। रोहित वो अटैक करके मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा जो हमने देखा, वो है हमारा रोहित भाई, डर के हमारे फट के चार हो चुकी है। अभी भी यहीं पे होगा शायद, अभी भी यहीं पे है। फाइनली हमको दिखी गया, हमारी मेहनत जाया नहीं गई, दिखी गया हम लोग को आज। ये भाई जी हमारे गए थे आगे, तो अभी हम लोग उसको और अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं भाई, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। रोहित रोहित मोहली रे सुसाले, इतने पास मत जा भाई, इतने पास मत जा। धूलो चाह उसको, गई रे सब मोटा है, टचिंग किया बस, जा जा मजा आ गया।
सर गाइस वो जा चुका है, उसको टच ही किया हमने, कोई हार्म नहीं किया ठीक है। ऊपर कौन दो उसको, फुर्तीला बहन चो दो, जान दो जान दो जान दो। ओ भाई गाइस आप देख सकते हो कितना है, जाने लाई चलो पीछे चलो पीछे चलो। तो गाइस आपको एक बार जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे यो अटैक करने को मूड में सा पूरा ही ले मुंडी उठायो, मुंडी ने डूम देख के से ला रहा हूं गाइस, रास्ता मिल रहे से नहीं ले। ओए चलो मैं इसका एक टेक ले गया, जितना दिखा दे दिखा दिया, आ जा सो गाइस वो पेड़ के ऊपर है, आप उसकी मुंडी आगे देख सकते हो। ये क्या देख लिया मैंने भाई, यहाँ देखिए क्या देख लिया मैंने, देख रहा है देख लिया, ये हमारा सबसे खतरनाक कैमरा मैन है यार। अब उसको रहने दो, वो खाना बचा रहा है, अब चलते हैं। रोहित बाय। तो फाइनली अभी हम लोग सब लोग बाहर आ गए हैं, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अपने सब भाई लोग बैठे हुए हैं। एक अभी आ ही रहा, लगता है उसको अजगर ने पकड़ लिया, वो लुड़ के आ जाएगा, वो शुशु के लिए गया है भाई। तो तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट में बताना कि अगली बार अगर हमें वो मिले तो हमें इसका क्या करना चाहिए, इसको पकड़े छुए, क्योंकि पकड़ना तो अलाउड नहीं होता लेकिन छू तो सकते हैं। तो अगर मैं इस चैनल पे एम करता हूँ, आज पहली बार फर्स्ट टाइम मैं एम कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे हमारे 10K व्यूज़ होते हैं, अगर हमारे इस वीडियो पे तुम लोग 10K व्यूज़ करवा देते हो तो मैं अगली बार सांप की किस लूँगा। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया तुमको भी और खुद को भी। तुम लोग तो कर ही दोगे यार, तुम्हारी तो बाएं हाथ का खेल है, बस मेरे लिए थोड़ा रिस्की होगा। तो मिलता है आप लोगों से तब तक के लिए अगले अलग ही ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और 10K व्यूज़ कंप्लीट करवाओ, अगला ब्लॉग तुम्हें इसी के ऊपर देखने को मिलेगा, अगर 10K व्यूज़ इस वीडियो पर आए तो दबाकर शेयर करो, तुम्हें अगली बार सांग पप्पी लेते हुए दिखाई देंगे हम। तब तक के लिए बाय, की ब्लॉगिंग की फसलिंग।